नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके फेवरेट शो यानी कि आपके फेवरेट रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 के बारे में। और ये शो इतना ज़्यादा अच्छा चल रहा है, इतना ज़्यादा इसको दर्शक पसंद कर रहे हैं कि इसका जो स्थान है, इसका जो पोजीशन है टीआरपी चार्ट में, वो हमेशा नंबर वन पर रही है। यानी कि जब से ये रियलिटी शो स्टार्ट हुआ है, जब से इसका प्रीमियर शूट हुआ है या फिर जब से ये स्टंट शुरू हुए हैं, तब से ही ये जो शो है, ये रियलिटी शो जो रोहित शेट्टी का है, हमेशा पहले स्थान पर बना हुआ है टीआरपी चार्ट में। और इस रियलिटी शो ने हर एक सीरियल को, हर एक रियलिटी शो को अच्छी खासी मात दे दी है। यानी कि वो एकता कपूर का नागिन हो या फिर कपिल शर्मा का द कपिल शर्मा शो हो, तो हर एक शो को जो कड़ारी टक्कर मिल रही है, वो सिर्फ इसलिए मिल रही है क्योंकि इसके जो स्टंट है, जो इसका एंटरटेनिंग पार्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं भी शो को फॉलो करती हूँ और इस शो में जितनी भी चीज़ें हैं सच में बहुत ज़्यादा रियल लगती हैं, बहुत ज़्यादा कहीं कहीं काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट हो जाता है, कहीं कहीं आपको बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे स्टंट देखने को मिलते हैं जो कि शायद आप सोच भी नहीं सकते। और वो बहादुरी जो खिलाड़ी दिखाते हैं, वो स्टंट को पूरा भी करते हैं और टास्क को भी जीतते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इस बार जितने भी कंटेस्टेंट इस शो में आए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी पॉपुलर हैं या फिर उन्हें पहले से ही दर्शक जानते हैं। अगर मैं पुनीत पाठक की बात करूं, तो वो हमें डांस प्लस में कई बार दिख चुके हैं, यानी कि एक जज की भूमिका निभाई थी उन्होंने, लेकिन हमने ऐसा नहीं सोचा था कि वो इतना ज़्यादा, इतनी बहादुरी के साथ हर एक स्टंट को इतनी खूबसूरती से करते हुए दिखेंगे। लेकिन वो हमें जब देखने को मिला, जब उनकी एंट्री खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 में हुई। दूसरे कंटेस्टेंट की बात करूं तो वो है भारती सिंह, यानी कि उनको हंसते हुए देखा हमेशा हमने, हमेशा उनको कॉमेडी करते हुए देखा, हमेशा उनको जोक्स बताते हुए देखा, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि वो इतनी ज़्यादा बहादुर है अंदर से, इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो इतनी ज़्यादा स्टंट को करती हुई नज़र आएंगी। लेकिन वो चीज़ साफ हो गई जब हमने उनको एज अ खिलाड़ी देखा खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 में। अगर मैं भारती के साथ उनके हस्बैंड की बात करूं, जो इस शो का हिस्सा बने थे, तो उन्होंने भी कई सारे स्टंट किए और बहुत सारे स्टंट को उन्होंने बीच में छोड़ दिया, लेकिन कॉमेडी का डोज देते हुए वो ज़रूर नज़र आए थे। और ऐसे बहुत सारे कंटेस्टेंट ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बहादुर हैं, काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग है। लेकिन आखिरकार रोहित शेट्टी के 9वें सीज़न का विजेता कौन होगा, ये तब अनाउंस होगा जब इसका फिनाले दिखाया जाएगा या फिर जब ये सारी चीज़ें रिवील होंगी। लेकिन एक कहते हैं कि आप शुरू से अगर किसी शो को फॉलो करते हैं, तो आपकी नज़र में एक जो खिलाड़ी है वो हीरो बन जाता है, और आप उसकी बहादुरी को देखते हुए ये जज कर लेते हैं कि शायद जो इस शो का विजेता होगा वो वही होगा। चाहे हम बिग बॉस 12 की बात करें या फिर हम डांस प्लस की बात करें या फिर किसी और रियलिटी शो की बात करें, हर एक रियलिटी शो में यही होता है कि हम उस सीज़न को पूरा फॉलो करते हैं और आखिरी में जब सेमीफिनाले आता है या फिर फिनाले आता है, तो हम जज करने लग जाते हैं कि कौन सा शो में कौन सा जो खिलाड़ी होगा वो विजेता होगा। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ या फिर मैं जितनी भी मैंने जानकारी जुटाई है सोशल मीडिया से, तो मैं ये जान पाई हूँ कि सबसे ज़्यादा जो फैन फॉलोइंग है और सबसे ज़्यादा जो प्रदर्शन है, जो परफॉर्मेंस है, वो लोगों को अच्छा लगा है, वो है पुनीत पाठक का। पुनीत पाठक ने शुरू से जो खूबसूरती से, बहादुरी के साथ हर एक स्टंट को किया है, वो सच में तारीफ के काबिल हैं। और उनको अभी तक सिर्फ एक फियर फंदा मिला, यानी कि सिर्फ एक फियर फंदे के साथ वो फिनाले में पहुँच गए हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात है। और सच में ऐसा ही लगता है कि इस पूरे रियलिटी शो के विजेता होंगे वो उन्हीं को बनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जो जर्नी है बहुत ज़्यादा कठिन रही है उनके साथ जर्नी, लेकिन उन्होंने उस जर्नी को तय किया है और अपनी मेहनत से वो पहुँचे हैं फिनाले में। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि पुनीत पाठक ही विजेता बने, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं। अगर आप भी उन्हें ही फॉलो करते हैं, आपको भी यही लगता है कि बड़ी बहादुरी के साथ उन्होंने स्टंट को किया है और उन्हीं को विजेता बनना चाहिए, तो प्लीज़ आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगर मैं दूसरे कंटेस्टेंट की बात करूँ, शमिता शेट्टी, तो शमिता शेट्टी जो है वो बॉलीवुड का एक चेहरा है, लेकिन लोगों ने उनको खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 में देखा तो उनको एक अलग ही इमेज नज़र आई शमिता की। और शमिता ने जो अभी तक स्टंट किए हैं, कुछ स्टंट में वो नहीं कर पाई अच्छा, लेकिन उनका जो फोबिया था कॉकरोचेस से, वो उन्होंने दूर कर लिया है।
और वो सबसे पहली खिलाड़ी बनी है फिनाले की। तो देखा जाएगा रिद्धिमा जीतती हैं, शमिता जीतती हैं, या फिर पुनीत पाठक जीतते हैं, या फिर कोई और कंटेस्टेंट जीतता है। लेकिन अभी तक हमारे पास जितने भी मैसेजेस आए हैं, जितना भी हम जानकारी जुटा पाए हैं, या फिर मैं अपनी जर्नी की बात करूं जो मैंने पूरा फॉलो किया है खतरों के खिलाड़ी, तो मुझे ऐसा लगता है कि पुनीत पाठक इस शो के विजेता होने चाहिए। लेकिन आपके हिसाब से, आप जो फॉलो कर रहे हैं, मैं आपकी राय ज़रूर जानना चाहूँगी, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो प्लीज़ आप अपना जो भी ओपिनियन हो हमारे साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज़ फॉर मोर न्यूज़।